तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किसी भी एप्लीकेशन पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी और फोटो लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, इन पर अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये कैसे कर पाएंगे तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जी और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इजीली आपने ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों आइकॉन चेंजर। जैसे ही एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। ओपन होने के बाद जैसे आपने फ़ोटो लगानी है उस प्रोसेस को आप समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो गया और आपके जो मोबाइल में एप्लीकेशन हैं आपने इंस्टॉल की हुई अपनी फ़ोन ड्राइव में, तो वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन, आपको किसी भी एप्लीकेशन पे अपनी फ़ोटो लगानी है या कोई और फ़ोटो लगानी है जिसको आप लगाना चाहते हैं, तो उसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों जो भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं MX Play पे क्लिक कर देता हूँ, MX Play पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया पहला ऑप्शन आपको चेंजर का, उसके बाद डायरेक्ट का, उसके बाद फिल्टर का। जैसे चेंजर यानी कि हमें तो आइकॉन चेंज करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चेंज पे क्लिक कर देना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। थर्ड वाले ऑप्शन है जो गैलरी का, गैलरी पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो अपनी चूज कर लेनी है। जैसे मैं गैलरी से कोई फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं एक फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक ये फ़ोटो चूज कर ली है, चूज़ करने के बाद दोस्तों आप इसका साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए कि आपके एप्लीकेशन पे ये पूरी तरह से सेट आए। तो उसके बाद यहाँ पर सेट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रूप का, आपने क्रूप पे टाइप कर देना है। क्रूप पे टाइप करने के बाद दोस्तों ये आपका पूरी तरह से लोगो बन के तैयार हो गया और अपनी एप्लीकेशन पे लग गया है। उसके बाद नीचे देखिएगा दोस्तों आपको टाइटल का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आप MX Player है जो लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं MX Player ही रहने देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन पे आइकॉन लगाया था वो थोड़ी देर में जनरेट कर देगा। देखें हमारा आइकॉन पूरी तरह से चेंज हो गया, ये एप्लीकेशन अब दोबारा ओपन होगी, तो वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो लग के आ गई यहाँ पर हमारे MX Player का, और यहाँ पर ये शॉर्टकट भी बन के आ गया है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सा आपको एक लुक मिलेगा, जितना आप अपने मोबाइल को कलरफुल बनाना चाहते हैं फ़ोटो लगा कर वो आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आइकॉन चेंजर का, या फिर आप प्ले स्टोर से सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना फ्रेंड, क्योंकि आप हमारी जो भी मेहनत का फल आपके लाइफ के बटन पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर